के अंदर मतगणना परिसर में और वज्रगृह की सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक कंपनी एसएसबी की कंपनी तैनात है। इसके अलावा जो परिसर के बाहर में आसपास के एरिया में भारी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त दरभंगा में वोटों की गिनती की जा रही है। बताते चले कि ईवीएम के माध्यम से भी जो मतदान हुए थे उनकी गिनती इस वक्त शुरू की जा चुकी है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दरभंगा की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है। वोटों की गिनती जब की जा रही है तो किस तरीके से पुलिस बल वहां तैनात है, किस तरीके से सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, ये सब कुछ हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कुशेश्वर स्थान की सीट पर कौन विजयी होगा वो भी लाइव सीरीज आपको सबसे पहले बताएगा। लेकिन इन सारी बातों के पहले आप ये सुनिए कि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम वहां पर मौजूद हैं और वहां की तैयारियों को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। ये अंदर मतगणना परिसर में और वज्रगृह की सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक कंपनी एसएसबी की कंपनी तैनात है। इसके अलावा जो परिसर के बाहर में आसपास के एरिया में भारी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस एरिया को हम लोगों ने सेफ जोन बनाया है। आसपास में दोनों तरफ बैरियर लगा हुआ है, केवल अधिकृत व्यक्ति ही इस एरिया में आ सकते हैं। पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है और शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। मतगणना अंदर के केंद्र के अंदर की सुरक्षा का प्रभार एसएसजी को दिया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक कंपनी हम लोगों को उपलब्ध कराई गई थी इसके लिए, और मतगणना के परिसर के बाहर की सुरक्षा जिला पुलिस के जिम्मे है। तो आपने सुना कि वहां पर मौजूद एसएसपी ने क्या कहा। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर पिछले कई चुनावों से जेडीयू का कब्जा रहा है। वही जेडीयू ने अपने दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को वहां से टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने मूसर समुदाय से गणेश भारती को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवार अशोक राम के बेटे अतिरेश कुमार को टिकट दिया है। तो वहीं एलजेपी रामविलास की तरफ से अंजू देवी को मैदान में उतारा गया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पुलिस बल की है, जो वहां पर इस वक्त तैनात किया गया है। बताते चले कि वोट काउंटिंग जो है वो जारी, और कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। इस सीट पर कांटे की टक्कर है। हर एक राजनीतिक दल जो है वो इस सीट पर अपना हक जता रहा है। पहले ही सब लोग अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में जब वोटों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो रिजल्ट्स जो होंगे वो हम सभी के सामने होंगे। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि इस सीट पर जो है जो पहले जेडीयू के खाते में थी, इस बार किसके खाते में जा गई थी। ये दोनों सीटों के उपचुनाव कितने महत्वपूर्ण रहे हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। और आज भी जब वोटों की गिनती हो रही है तो राजद की तरफ से जो है कुशेश्वर स्थान की जहां वोटिंग हो रही है, दरभंगा में तेजस्वी यादव खुद मौजूद है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।